हेलो एवरीवन, दिस इज उमा एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ये सुंदर सी रेजिन की थाली बनाना सीखेंगे। अब आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और ऐसी थाली आपके पास हो तो फेस्टिवल्स में चार चांद ही लग जाने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोमेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चले सबसे पहले हम अपनी रेजिन को मिक्स कर लेते हैं। ये 3:1 रेशियो वाली रेजिन है। 3:1 रेशियो वाली रेजिन क्या होती है? इसमें 3 पोर्शन जाता है रेजिन का और 1 पोर्शन जाता है हार्डनर का। मींस अगर आप 15 ग्राम्स ऑफ रेजिन ले रहे हैं तो 5 ग्राम्स ऑफ हार्डनर इसके अंदर लाएगा। इसको हमने 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स। मैं यहाँ पे सारे पर्ल पिगमेंट ही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे यूज्ड ग्लास हैं जो मैंने पहले यूज़ किए थे, उन्हीं को मैं रीयूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी इनको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर का जो रेजिन था वो एकदम हार्ड हो चुका है तो इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू का। ये है पर्ल पिगमेंट। ये बहुत सारे कलर्स का मैंने एक सेट लिया था, मैंने अमेजोन से बहुत टाइम पहले ख़रीदा था। तो मेरे पास इसमें डिफरेंट बहुत सारे कलर के पिगमेंट्स हैं और बहुत ही सुंदर टेक्सचर देते हैं ये। तो थर्ड मैंने यहाँ पे पर्पल यूज़ किया है, तो मैंने वही ग्रीन और पर्पल और ब्लूइश शेड्स ये तीनों लिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। कई बार क्या होता है ना, बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता ना तो नीचे पाउडर रह जाता है, तो इसको अच्छे से थरली मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वीडियो तेज़ किया हुआ है। आराम आराम से करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलो अब हम इसको अपने मोल्ड में पोर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बॉर्डर पे डालेंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं बहुत अनइवन हैं, तो आई एम मेकिंग श्योर कि कॉर्नर्स में अच्छे से रेजिन चली जाए। तो इसको हमने पोर कर दिया है। इसके बाद हम दूसरा कलर डालेंगे। और सिमिलरली अब हम थर्ड कलर भी इसके अंदर पोर कर देंगे। इतना सुंदर पर्ली टेक्सचर आता है, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं इतनी प्यारी शाइनी है। वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना रियलिटी में दिखता है। आई डोंट नो, कैमरा शायद उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। तो चलिए अब हमने डाल दिया यहाँ पे क्लियर रेजिन जिसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स हमने डाले थे। मुझे गोल्ड फ्लेक्स से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे मोस्टली रेजिन आर्ट वर्क में आपको गोल्ड फ्लेक्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिन थोड़ी सी कम पड़ गई है तो मैं इसमें मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, तो थोड़ी सी और हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी हमने एक पतली थिन लेयर ही करी है क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और टॉप कोट करना है। तो बहुत ज़्यादा हमें अपने मोल्ड को भर नहीं देना है रेजिन से, थोड़ा सा स्पेस उसमें छोड़ देना है। मैं थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स को एडजस्ट करूँगी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। उसको मिक्स कर दिया। अब मैंने इसके अंदर स्प्रे करके बबल बस्टर, तो सारे बबल्स इससे फूट गए हैं। थोड़े थोड़े मुझे दिख रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी टॉर्च से भी उसको कर देती हूँ। तो पूरे 24 घंटे के बाद अब हम देखते हैं हमारा जो यहाँ पे रेजिन है वो क्योर हो गया है। अब इसके ऊपर हमने क्या क्या लगाना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पे मोर पंख आज लगाने वाली हूँ। यस, मैं मोर पंख को यूज़ करूँगी। मैंने साइड से थोड़ा सा इसको ट्रिम किया है। अब मैं एडजस्ट करके देख रही हूँ कि किस जगह पे ये परफेक्ट लगेगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। तो अब इसके ऊपर मैंने एक पतली सी थिन लेयर एक रेजिन की लगाएंगे ताकि जो भी मुझे मोर पंख और चीज़ें इसके ऊपर लगानी है वो चिपक जाएं और जगह पे रहें। उसके बाद हम इसके ऊपर और रेजिन डाल के उनको अच्छे से फिक्स करेंगे। तो मैं पूरे रेजिन को फैला रही हूँ। अब मैं अपने मोर पंख को इसके ऊपर सेट करूँगी। ये थोड़ा सा टीडियस काम है पर एक बार जब वो रेजिन में भीग जाएगा अच्छे से मोरपंख, तो आप इसको किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आई एम मेकिंग श्योर कि उसके सारे जो फेदर्स हैं वो प्रॉपरली हों, सीधे हों, टेढ़े मेढ़े ना हों। एक सुंदर जो प्रॉपर एक मोरपंख का शेप होता है वो वैसा ही इंटैक्ट रहे इसके अंदर। तो मैं इसको जल्दी जल्दी अपने हाथों से ही मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि आप किसी टूल की हेल्प से वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते हो। वो जो आपको लुक इसकी चाहिए तो आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा इसके फेदर्स को। तो जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही। इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगा था। और
और अब जब मेरा मोरपंख सेट हो गया है तो अब हम लगाते हैं इसके ऊपर कटोरियाँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास बड़ा वाला मोल्ड है, बड़ी थाली बन रही है तो इस पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस है तो मैं इसमें चीज़ें रख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ दो कटोरियाँ और एक टी लाइट होल्डर लगाया है। थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ मोती रखे हुए थे बचे हुए, जो मैंने राखी यूं कि मैं यूज़ किए थे उन्हीं में से, तो इनको भी हम लगा देते हैं, इससे और ज़्यादा सुंदर लगेगा। बस धीरे धीरे इनको सेट कर देते हैं। ये मेरे पास किसी भी टूथपिक वगैरह से भी कर सकते हैं, तो मेरे पास ट्वीज़र है तो उससे मैं इनको एडजस्ट कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। सारे मोती लग गए हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाती हूँ रेजिन का एक और टॉप कोट, ताकि जो भी हमने बनाया है वो अच्छे से रेजिन के अंदर कवर हो जाए। और थोड़ी सी और एडजस्टमेंट्स फेदर को प्रॉपरली शेप में रखने के लिए। अब इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है, इसको अब ढक के हम रख देंगे। ढकने के बाद एक और दिन बाद अभी हमारा अच्छे से क्योर हो गया है, इसको डीमोल्ड करते हैं और इसको फाइनली तैयार करते हैं। तो इसकी जो एजेस हैं वो थोड़े थोड़े शार्प हैं, तो उनको स्मूथ करने के लिए मैं वही अपना टूल यूज़ करूँगी। जो भी शार्प एजेस हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। अभी सारे एजेस स्मूथ हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का स्टेप। ये जो मैंने कटोरियाँ इसके अंदर लगाई हैं, एक में जाएगा चावल और एक में जाएगा सिंदूर और बीच वाले में हमें रखेंगे दिया। तो ये थाली एकदम परफेक्ट हो गई है। मैंने रेजिन से रिलेटेड और भी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सारे कॉर्नर्स को मैं ये क्रोम मार्कर से कलर कर रही हूँ, इससे और ज़्यादा सुंदर लुक आता है, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है आपके आर्टवर्क की। तो आई प्रेफर जब भी मैं कोई कोस्टर या इस तरीके की चीज़ बना रही हूँ तो मैं उसके बॉर्डर्स को क्रोम मार्कर से कलर करती हूँ। तो फाइनली दिस इज़ आवर फाइनल थाली। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं बहुत ही अमेजिंग आर्ट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। वीडियोस को अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके के वीडियोस देख सकें। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।